वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारे एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को काले मास्क से खतरा है, कम से कम पंजाब पुलिस का तो यही मानना है। इसलिए पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को 15 अगस्त पर लुधियाना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रोग्राम में पहुंचे उन सभी बच्चों को मास्क उतारने पर मजबूर कर दिया जो गलती से काले मास्क लगाए हुए थे। इस राज्य स्तरीय प्रोग्राम में सीएम भगवंत मान ने झंडा फहराया। मास्क उतरवाने के बाद पुलिस अफसरों ने इन बच्चों को दूसरे मास्क देना भी जरूरी नहीं समझा। पंजाब सरकार दो दिन पहले ही आदेश जारी कर राज्य के स्कूलों, कॉलेजों, मॉल्स और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर लिया, मगर पंजाब पुलिस के अफसरों ने बच्चों के मास्क उतरवाकर एक तरह से सरकार के इस आदेश का ही उल्लंघन कर डाला, वह भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी वाले प्रोग्राम में। दरअसल देश के 75वें आजादी दिवस पर लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में आयोजित प्रोग्राम में ध्वजारोहण करने मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह की सिक्योरिटी को डर सता रहा था कि कहीं सीएम को कोई काला झंडा या काला कपड़ा ना दिखा दे। इसी वजह से उन्होंने किसी को स्टेडियम में काले कपड़े के साथ नहीं जाने दिया, मगर पुलिस अफसर बच्चों और अन्य लोगों में फर्क करना भूल गए। कुछ बच्चों ने धूप से बचने के लिए काले रंग की टोपियां पहनी थी, पुलिस अफसरों ने उन्हें भी उतरवा दिया।